मैं सुबह से खेत में काम कर रहा था। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और ये एकदम साधारण है, यानी अफर्मेटिव है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर होता है, पहले यस लिखते हैं। यस का मतलब है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, तो पहले आई लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद बी आई एन जी मतलब वर्ब के साथ आई एन जी। इसमें वर्ब क्या है? काम कर रहा था। काम करना को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, तो वर्क के साथ आई एन जी लिखेंगे तो हो जाएगा वर्किंग। उसके बाद खेत में काम कर रहा था, इसलिए वर्किंग इन द फील्ड। खेत को इंग्लिश में फील्ड कहते हैं, खेत में यानी इन द फील्ड। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे टाइम बताने के लिए। इसमें टाइम है सुबह से, तो सुबह के टाइम बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेत में काम कर रहा था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, इसी तरह की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते रहने के लिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।